एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। मैं स्पाय जितेन कुमार और यहाँ हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर चल रही है थर्ड, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स विद रेफरेंस टू एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें हमारा आज आपकी चल रही है नेक्स्ट आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमारी आयनाइजेशन तक हो गई थी, ठीक है। आयनाइजेशन के बाद हमारी नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या गेन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ईए, ठीक है। हमने इसमें अब तक कितनी देख ली है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख ली थी, उसके बाद हमने आयनाइजेशन पोटेंशियल भी देखा, एटॉमिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल रेडियस, ठीक है। ये सारी हमने जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज थी सब कवर कर ली। उसके बाद हमारी नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको शॉर्ट में लिखते हैं ईए। तो क्या होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसे हम बोलते हैं ईए, देखते हैं। तो अगर आपने आयनाइजेशन पोटेंशियल अच्छे से पढ़ा है तो उसका रिवर्स ही होगा। देखो चलो स्टार्ट करते हैं। इट कैन बी डिफाइन, इसको डिफाइन किया जा सकता है एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, यानी कि एनर्जी का वो अमाउंट जो रिलीज हो रही है व्हेन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, जब कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम क्या करता है, एक्सेप्ट करता है वन इलेक्ट्रॉन। जब कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। और इसकी जो यूनिट्स होती हैं वो हो सकती हैं आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो जूल और किलो कैलोरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो कैलोरी या किलो जूल, ठीक है। ध्यान से सुनिए, जब भी कोई न्यूट्रल एटम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को अपने में ऐड कर लेगा या इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो जब न्यूट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी उसी एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और जब न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेगा अपने पास, तो वो कैसा हो जाएगा, उस पर चार्ज कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेने के कारण नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उस पर, इलेक्ट्रॉन लेने के कारण उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब कोई एक न्यूट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन को अपने अपने साथ जोड़ता है, अपने में ऐड करता है और खुद को नेगेटिव चार्ज आयन बना लेता है, तो जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है उसी एनर्जी के अमाउंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। आईपी से उल्टा है जस्ट, तो आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं, इसकी यूनिट्स हो सकती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो जूल या किलो कैलोरी। अब आगे देखिए सेकेंड एंड थर्ड, अब इसमें भी यही है, सेकेंड फर्स्ट फर्स्ट ईए हो सकता है, सेकेंड ईए हो सकता है, थर्ड ईए हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट आईपी देखा था, सेकेंड आईपी देखा, थर्ड आईपी देखा, सेम वही इसमें हो सकता है। तो सेकेंड और जो थर्ड आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज है वो क्या है, और ऑलवेज लोअर, वो हमेशा कम होंगी। उसमें क्या था, उल्टा है ना, तो उसमें सेकेंड थर्ड वाली ज्यादा हो रही थी, लेकिन इसमें सेकेंड और थर्ड वाली क्या होंगी, वैल्यूज ज्यादा होंगी, सॉरी कम होंगी फर्स्ट आईपी फर्स्ट ईए से। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट की जो वैल्यू होगी वो हमेशा ज्यादा होगी सेकेंड और थर्ड ईए वैल्यू से। दैट इज सेकेंड एंड थर्ड एफिनिटीज शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव साइन। अब क्योंकि सेकेंड और थर्ड वाली क्या है आपकी, कम हो रही है, जो फर्स्ट ईए वैल्यू है वो ज्यादा होगी, फर्स्ट ईए वैल्यू ज्यादा होगी और सेकेंड और थर्ड ईए वैल्यू कम होगी। अब सेकेंड और थर्ड ईए वैल्यू फर्स्ट से कुछ कम हो रही है, यानी कि फर्स्ट में से कुछ ना कुछ माइनस करके आ रही है, ठीक है। तो हम जो सेकेंड और थर्ड वाली है उनको माइनस से दिखाते हैं, माइनस मतलब कि ऊपर वाले में से माइनस हुआ है, ठीक है, वो कम होंगी उससे, तो माइनस के साइन के साथ दिखाएंगे। बिकॉज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, अब क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सेप्टेड हो रहा है बाय न्यूट्रल एटम। पहला जब इलेक्ट्रॉन हम ऐड कराएंगे, पहला जब इलेक्ट्रॉन होगा तो न्यूट्रल एटम लेगा, न्यूट्रल एटम के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा पहला इलेक्ट्रॉन। बट लेकिन जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन देने जाएंगे या थर्ड इलेक्ट्रॉन देने जाएंगे तब वो किनके द्वारा लिया जाएगा, हैव बीन एक्सेप्टेड बाय एनायन और डायनायन। जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन देने जाएंगे तो इस बार वो एनायन के द्वारा लिया जाएगा, और जब हम थर्ड इलेक्ट्रॉन देने जाएंगे, एक्सेप्ट कराने जाएंगे, तो वो किसके द्वारा लिया जाएगा, डायनायन के द्वारा। सो अब देयर इज अब क्योंकि वो ऑलरेडी एनायन है, ऑलरेडी वो एनायन है, तो वहां पर क्या होगा, एनायन, और एक तो ऑलरेडी वो एनायन है, चाहे एनायन हो या डायनायन हो, दोनों एनायन की बात करें हम, तो एनायन ऑलरेडी है वो, ऊपर से हम इलेक्ट्रॉन भी देने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज कैसा आ गया, माइनस, एनायन पे भी चार्ज माइनस, तो माइनस माइनस सेम चार्ज हो गए, तो क्या हो गया वहां पर, रिपल्शन हो गया। तो देयर इज अ रिपल्शन, वहां पर क्या हो गया, रिपल्शन हो गया बिटवीन एनायन एंड इलेक्ट्रॉन,
एनायन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन काम कर जाएगा. सो स्मॉल क्वांटिटी, इसलिए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी हैज बीन रिक्वायर्ड. अब ऑलरेडी रिपल्शन है, दूर जा रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, तो क्या होगा वहां पर, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी हैज बीन रिक्वायर्ड टू ओवरकम. इसलिए स्मॉल जो अमाउंट है एनर्जी का वो क्या हो जाएगा, उसकी जरूरत पड़ेगी टू ओवरकम दिस रिपल्शन फोर्स. इस रिपल्शन फोर्स को खत्म करने के लिए हम थोड़ी एनर्जी तो वहां खर्च करनी पड़ जाएगी, इसलिए थर्ड और जो आपकी सेकेंड आईपी है उसकी वैल्यू कम हो जाती है. दैट इज द अमाउंट ऑफ रिलीज एनर्जी विल बी लोअर. यही कारण है कि जो रिलीज एनर्जी है वो थोड़ी कुछ कम हो जाएगी देन फर्स्ट एफिनिटी वैल्यू, पहली एफिनिटी वैल्यू से कुछ कम हो जाएगी. समझिए इस बात को कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, ईए क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है. जस्ट आईपी का अपोजिट, अगर आपको आईपी अच्छे से आ गया तो ये बिल्कुल बहुत ही इजी है. आईपी में क्या था कि हम किसी न्यूट्रल एटम जो था उससे अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आईपी. लेकिन इसमें क्या होता है, जब एक न्यूट्रल एटम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करता है या एक्सेप्ट करता है, तो जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं, जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ठीक है, अब इसमें बोला कि सेकेंड और थर्ड जो आपकी ईए है वो कम होगी इन फर्स्ट इन कंपेरिजन टू फर्स्ट ईए वैल्यू. क्योंकि फर्स्ट ईए वैल्यू क्यों हो रही है, जब एक न्यूट्रल एटम, पहले तो न्यूट्रल देगा ना, फर्स्ट ईए का मतलब होगा न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं. लेकिन सेकेंड का मतलब होगा कि अब जब ऐड कर दिया तो कितना, देखो यहाँ पर देखो, पहले फर्स्ट आपका क्या था, न्यूट्रल एटम है एक्स, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन ले लिया, लेने के कारण उसमें माइनस चार्ज आएगा, एक ले रहा है तो एक माइनस चार्ज, तो इसकी जो ईए होगी इसको क्या बोलेंगे, ईए फर्स्ट और ये होगी पॉजिटिव. ठीक है, उसके बाद अब हम जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन इसमें देंगे तो ये किसमें ऐड होगा, एक्स माइनस वाले में जाके ऐड होगा, तो एक्स माइनस फिर से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बना लेगा, एक्स माइनस माइनस, यानी कि एक्स के ऊपर क्या आ गया, डाई एनायन आ गया, डाई पॉजिटिव बने, वो डाई नेगेटिव हो गया, यानी कि डाई एनायन आ गया. तो इस बार क्या होगी इसकी ईए सेकेंड, इसीलिए हमने इसके लिए सेकेंड यूज किया, लेकिन ये उससे कम होगी. इसका रीजन क्या है, ईए जो सेकेंड है उसकी वैल्यू ये फर्स्ट से कम होगी, इसीलिए उसको नेगेटिव साइन से दिखाया है, यानी कि ऊपर वाले से कुछ कम है, ऊपर वाले में से कुछ माइनस करके आ गया. और ईए सेकेंड कम क्यों होती है और ईए थर्ड और कम होती है, उसका रीजन ही यही है क्योंकि ये ऑलरेडी एनायन था. देखो इस पे क्या है, ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, हाँ देखो इस पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हैं और इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे. सेम जो आपके सेम चार्ज होते हैं, यानी कि माइनस माइनस हो या फिर प्लस प्लस हो, दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं. अब दोनों सेम चार्ज है, दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी एक दूसरे को धक्का देंगे. तो ऐड कराने का तो मतलब ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन वहां रुकने ही नहीं वाला, उसके पास ऐड ही नहीं होने वाला. तो हम क्या करेंगे, पहले कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उसकी उसको क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रॉन को उस न्यू एटम में ऐड कराने के लिए खर्च करेंगे कुछ एनर्जी. तो अब जो एनर्जी रिलीज हो रही थी, हमने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उसका तो खर्च ही कर दिया उसको ऐड कराने में, तो अब जो हमारी एनर्जी रिलीज हो रही है उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी ईए फर्स्ट के कंपैरिजन में, और थर्ड की और कम हो जाएगी. इसलिए ये होता है कि ईए फर्स्ट ज्यादा होता है ईए सेकेंड और थर्ड से. लेकिन आईपी के केस में अलग था, फर्स्ट आईपी वैल्यू कम होती थी, सेकेंड आईपी वैल्यू ज्यादा और थर्ड आईपी वैल्यू और ज्यादा. ठीक है, इसलिए ध्यान रखना उससे जस्ट अपोजिट है. ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेकेंड और थर्ड जो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू वो हमेशा क्या होती है, कम होती है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू से. इसका रीजन ही यही है, सेकेंड और थर्ड एफिनिटी क्या होती है, इसीलिए थर्ड और सेकेंड जो एफिनिटी होती है उसको नेगेटिव साइन से दिखाते हैं. ध्यान रखना है आपको, सेकेंड और थर्ड को हमने नेगेटिव से क्यों दिखाया है और फर्स्ट को प्लस से क्यों दिखाया है, तो सेकेंड और थर्ड वाली कम होती है फर्स्ट से, इसलिए हम उसको नेगेटिव चार्ज से दिखाते हैं. और ये जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्यों पॉजिटिव होता है, इसकी वैल्यू क्यों ज्यादा होती है, तो जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हम देंगे तो वो न्यूट्रल एटम को देंगे तो आसानी से वो ले लेगा. ठीक है, यानी कि हमें कोई एनर्जी वहां पर खर्च नहीं करनी पड़ी उसको ऐड कराने के लिए, खुद ही एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि न्यूट्रल है. अब उसने एक्सेप्ट कर लिया तो हमारी सारी एनर्जी जो रिलीज हो रही है हमारे पास बच रही है, यानी कि एनर्जी ज्यादा हो रही है. लेकिन सेकेंड केस में जब हम जाएंगे तो उसमें क्या होगा, अब हम जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे वो एक्स माइनस पर ऐड कराएंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेकर वो माइनस बन चुका है. इस बार हम एनायन पर ऐड कराएंगे. अब एनायन पे जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे तो एनायन पे खुद नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे. तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो पहले हमें उन दोनों को एडिशन ऐड कराने के लिए, यानी कि उनके बीच अट्रैक्शन लाने के लिए ही हमें खर्च करनी पड़ जाएगी. तो
अब जो एनर्जी रिलीज हो जाएगी वो कुछ अमाउंट से फर्स्ट ईयर से कम हो जाएगी और थर्ड वाले भी इसी तरह और कम हो जाएगी। ठीक है, तो यही रीजन है आपका कि फर्स्ट ईयर वैल्यू ज्यादा होती है सेकेंड और थर्ड से। यहां तक इतना नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं फैक्टर्स जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को। ठीक है, पहले इतना यहां तक नोट डाउन करिए। आगे देखते हैं, अब स्टार्ट होता है फैक्टर्स को। फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन फैक्टर्स है आपका नंबर ऑफ शेल्स का। तो एज द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो रहे हैं बढ़ते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्योंकि बिकॉज न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स विल डिक्रीज, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ता है यानी कि न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेयर के इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस बढ़ रही है, यानी कि क्या हो रहा है वहां पर डिस्टेंस बढ़ रही है, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहा है, जो आपका ईएनसी है वो क्या हो रहा है, आपका ईएनसी या न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहा है वहां पर डिक्रीज हो रहा है। As the cells increases, जैसे जैसे number of shells increase हो रहे हैं, so an element will accept electron with difficulty. तो अब क्या होगा वहां पर, अब कोई भी जो आपका element है वो बहुत मुश्किल से किसी electron को, difficulty के साथ किसी electron को accept कर पाएगा। That is the amount of energy released will also decrease. इसका मतलब कि अब वो electron ही बहुत आसान मुश्किल से accept कर रहा है, तो हमें जबरदस्ती एक्सेप्ट कराना पड़ रहा है, यानी कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो वहां पर खर्च करनी पड़ रही है। तो अब जो आपकी रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि जो ईए है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है, वो नंबर ऑफ शेल्स की इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है कि अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो ईए घटेगी, और नंबर ऑफ शेल्स अगर घट रहे हैं तो ईए की वैल्यू बढ़ेगी। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं यानी कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस बढ़ती है, यानी कि न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स या न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स या न्यूक्लियर अट्रैक्शन चार्ज, ठीक है, वो क्या होता है आपका, वो डिक्रीज हो जाता है। और जब वो डिक्रीज हो गया तो अब जो वो इलेक्ट्रॉन्स लेने की, किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन लेने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी। लेगा तो इलेक्ट्रॉन, लेकिन बहुत डिफिकल्टी के साथ। तो जब हम उसको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दिलवा रहे हैं, ऐड करा रहे हैं, एक्सेप्ट करा रहे हैं, इनकी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां पर हमें खर्च करनी पड़ रही है। ठीक है, तो वहां पर जब हम कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च कर रहे हैं तो अब जो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी वो कुछ कम हो जाएगी, इसीलिए वहां पर ईए की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़े ईए घटा, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे एक एग्जांपल हो गया 8O16S। तो इसमें पहले नंबर ऑफ शेयर्स देख लेते हैं, क्योंकि उससे हम डिफाइन करेंगे ईए का ऑर्डर क्या होगा, हमें क्या निकालना है, इसमें क्या देखना है, ईए का ऑर्डर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी। या तो ये पूछेगा कि विच वन हैज हायर या लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या लोएस्ट, कुछ भी पूछ सकते हैं, लोएस्ट के लिए पूछे या हाईएस्ट के लिए पूछे, आप बता सकते हैं दोनों के लिए। तो नंबर ऑफ शेयर्स देखते हैं, जब हम इसका करने जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो क्या हो जाएगा 2, 6, जब हम इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 8, 6, 2, 8, 6, 2, 6 और 2, 8, 6। अब बताइए ईए की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या नंबर ऑफ शेल्स कितने, 2, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ शेल्स, यहाँ तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, यहाँ पर कितने आ रहे हैं नंबर ऑफ शेल्स, 3 आ रहे हैं, 1, 2, 3 आ रहे हैं। किसकी संख्या ज्यादा है, इस वाले की ज्यादा है, तो जिसकी नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा उसकी ईए कम, तो यानी कि इसकी ईए कम होगी और ओ की ज्यादा होगी। तो आपका ऑर्डर क्या बन गया, ये बन गया ओ की जो ईए है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो ज्यादा होगी। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ओ की ज्यादा है, यानी कि ओ इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, तभी तो क्या है इसकी ईए की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है उसकी ज्यादा है। अब वो इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो हमें एक्स्ट्रा जो एनर्जी देनी पड़ रही थी जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कराने के लिए, वो नहीं देनी पड़ेगी। तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है वो सारी हमारे पास रहेगी, और सारी हमारे पास रहेगी, हमारी कुछ खर्च नहीं हुई है, तो इसकी जो एनर्जी की वैल्यू है वो उसकी ज्यादा हो जाएगी। जिसकी ज्यादा, उसकी ईए ज्यादा,
ओ की जो आपकी ओ की ए की वैल्यू वो ज्यादा होगी क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स ओ में कम है। तो हम नंबर ऑफ शेयर्स देखकर ईए भी बता सकते हैं और नंबर ऑफ शेयर्स देखकर ईएनसी भी बता सकते हैं और नंबर ऑफ शेयर्स देखकर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इतना यहां तक नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर पर, फैक्टर नंबर टू। चलिए सेकंड फैक्टर देखते हैं, ईएनसी का फैक्टर। ईएनसी यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जैसे जैसे एज द वैल्यू ऑफ ईएनसी इंक्रीजेस, तो जैसे जैसे ईएनसी की वैल्यू इंक्रीज होती है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब जैसे जैसे ईएनसी इंक्रीज होती है, इसका मतलब है न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स ऑन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहा है, विल ऑल्सो इंक्रीज, सो एन एलिमेंट विल एक्सेप्ट। तो जब क्या है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आउटर मोस्ट शेल का जो है वो है, सॉरी, कोई भी एलिमेंट है वो क्या करेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, और इजीली एक्सेप्ट कर लेगा तो जो आपकी ईए की वैल्यू है वो ज्यादा हो जाएगी, यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी अब ज्यादा रिलीज होगी, क्योंकि हमें एनर्जी खर्च ही नहीं करनी पड़ रही है, तो अपने आप ही एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन इजीली, तो हमें कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ रही, और एनर्जी देनी नहीं पड़ रही, तो जितनी ये रिलीज हो रही है वो सारी की सारी हमारे पास जा रही है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज वो क्या होगी, वो भी इंक्रीज होगी। तो जैसे जैसे ईएनसी की वैल्यू इंक्रीज होती है, आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, जैसे जैसे ईएनसी बढ़ती है इसका मतलब न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स पर, तो अब किसी भी एलिमेंट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो पॉसिबिलिटी है वो इजी ज्यादा हो जाएंगी, एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को इजिली एक्सेप्ट कर लेगा, और इजिली एक्सेप्ट कर लेगा तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो ज्यादा हो जाएगी। इससे कंक्लूजन ये निकला कि जो ईए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ईएनसी के, जो ईए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ईएनसी के, यानी कि ईएनसी अगर बढ़ा तो ईए बढ़ा, ईएनसी अगर घटा तो ईए घटा। ठीक है, चलिए एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। 16s है और 17cl है, इसका जब हम कॉन्फिगरेशन करने जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे, नंबर ऑफ शेल्स देखने पहले तो हमें, तो इसका हो जाएगा 286, इसका हो जाएगा 287, है ना। तो अब देखो नंबर ऑफ शेल्स से तो बात ही नहीं बनती, क्योंकि इसमें भी तीन आ रहे हैं और इसमें भी तीन नंबर ऑफ शेयर्स है, तो नंबर ऑफ शेयर्स का केस तो यहाँ पर फेल हो गया। तो हम नेक्स्ट फैक्टर देख लेते हैं अपना, ईएनसी का फैक्टर। अब ईएनसी देखते हैं, आपको पता है किसी भी न्यूट्रल एलिमेंट के लिए अगर ईएनसी देखनी है तो क्या होगा, उसके आउटर मोस्ट शेल के यानी कि एक्सटर्नल शेल के इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, जितने नंबर ऑफ एक्सटर्नल शेल के इलेक्ट्रॉन की होगी वही नंबर होगी आपकी ईएनसी। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के होंगे, 6, तो ईएनसी कितनी होगी सल्फर की, 6, क्लोरीन में कितने हैं, 7, तो इसकी कितनी होगी, 7। अब बताइए ईएनसी की वैल्यू किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की ज्यादा है, 6 और 7 में 7 ज्यादा है ना, तो क्लोरीन की ईएनसी की वैल्यू ज्यादा है, क्लोरीन की ईएनसी की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब जिसकी ईएनसी ज्यादा उसकी ईए ज्यादा, तो इस बार किसकी ईए ज्यादा हो जाएगी, क्लोरीन की, तो आपका क्या हो जाएगा, क्लोरीन की ईए ज्यादा, सल्फर की कम। ठीक है, तो आपका ऑर्डर हो जाता है ये, किसका ऑर्डर है, ईए का, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, कभी भूल जाए, ये आपका ऑर्डर आ गया ईए का। ठीक है, तो सल्फर से ज्यादा आपकी क्लोरीन की ये होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी हो किसकी ज्यादा होगी, क्लोरीन की। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ना लेने की टेंडेंसी सल्फर की होगी, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी तो क्लोरीन की ज्यादा होगी। ठीक है, इसकी कम होगी इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी, ये इजिली नहीं लेगा, और इजिली नहीं लेगा तो अमाउंट ऑफ एनर्जी भी हमें खर्च करनी पड़ेगी, तो जितनी रिलीज हो रही थी उसी में से खर्च करनी पड़ेगी, यानी कि इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, ये कम हो जाएगी। ठीक है, इतना नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं अपने थर्ड फैक्टर्स की तरफ, फैक्टर नंबर थर्ड, जो कि है आपका स्टेबिलिटी ऑफ सबशेल, स्टेबिलिटी ऑफ सबशेल। चलिए थर्ड फैक्टर देखते हैं, फैक्टर थर्ड आपका है स्टेबिलिटी ऑफ सबशेल, यानी कि सबशेल की स्टेबिलिटी। अब सबशेल की स्टेबिलिटी के बेस पर कैसे ये देख सकते हैं, तो अगर आपकी, इफ द एक्सटर्नल सबशेल इज हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड, आपको पता है सबशेल की स्टेबिलिटी हम कैसे देखते हैं, सबशेल स्टेबल है या नहीं ये कैसे पता चलता है, तो अगर कोई भी सबशेल
हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड है, तो हम उसे मानते हैं कि वो क्या है आपका स्टेबल है। हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड वाले को स्टेबल मानते हैं, और दोनों को कंपेरिजन करें अगर तो फुल फिल्ड वाला ज्यादा क्या होता है आपका स्टेबल होता है। तो अगर कोई एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है, इसका मतलब क्या है, देन इट इज स्टेबल, वो स्टेबल है। एंड एलिमेंट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इजीली, कैन नॉट एक्सेप्ट। अब कोई स्टेबल है, कोई ऑलरेडी स्टेबल है तो वो इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा, ठीक है, अपने आप को अनस्टेबल क्यों करेगा, स्टेबल है ना वो। तो अगर किसी भी एलिमेंट का सब शेल, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अगर हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इजीली नहीं लेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल फॉर्म में है, उसको कोई जरूरत नहीं है अनस्टेबल बनाने को खुद को। तो वो क्या करेगा, इस केस में स्टेबल है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगा, और इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगा तो यानी कि हमें जबरदस्ती एक्सेप्ट कराया है, यानी कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च की हमने, तो अब जितनी भी रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें से हमने खर्च की होगी तो वो रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगी, कुछ कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि ईए की वैल्यू कम हो रही है। तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि ईए इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/ स्टेबिलिटी ऑफ सबशेल, या ईए क्या है आपका इनडायरेक्टली डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ सबशेल पे। अब इसका मतलब है स्टेबिलिटी ऑफ सबशेल अगर बढ़ रहा है तो ईए बढ़ रहा, ईए घट रहा है, और स्टेबिलिटी ऑफ सबशेल यानी कि सबशेल की स्टेबिलिटी है ही नहीं, सबशेल में कोई स्टेबिलिटी नहीं है तो ईए उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन अगर सबशेल स्टेबल है तो ईए उसकी कम होगी। एक बार फिर से देखते हैं, अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड है, इसका मतलब है कि वो स्टेबल है, और एन एलिमेंट कैन नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इजीली, इसका मतलब है कि एलिमेंट इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। दैट इज द अमाउंट ऑफ रिलीज एनर्जी, इसका मतलब कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो क्या होगी आपकी, कम हो गई है, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी आपकी, कम हो गई है। तो कंक्लूजन आपका ये निकलता है कि ये क्या है आपका इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ सबशेल की। तो अगर स्टेबिलिटी सबशेल की चेक करनी है, कोई भी आपका स्टेबल है अगर कंपाउंड तो सॉरी एलिमेंट तो क्या होगा उसकी ईए भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहां तक इतना नोट डाउन करिए, ये आपके तीन फैक्टर्स थे, तीनों फैक्टर्स हो गए आपके। कौन कौन से पढ़े हमने तीनों फैक्टर्स, नंबर ऑफ शेल्स पढ़ा, ईएनसी पढ़ा, और सबशेल की स्टेबिलिटी पढ़ी। तीनों फैक्टर आप करिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए आपने यहां तक नोट कर लिया, ठीक है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमने जो पहले पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी थी ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी यही था कि द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को लेने की जो टेंडेंसी होती है उसे हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये भी तो वही है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, या इलेक्ट्रॉन को जब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो जितना अमाउंट निकल रहा है उसे तुम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो दोनों सेम लग रहे हैं लेकिन दोनों में अंतर है, डिफरेंस है। तो इसके लिए कुछ लोग कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, कंफ्यूज हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों अलग चीज है, लेकिन कभी कभी स्टूडेंट एक समझ लेता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं एक बार, ताकि आपको ध्यान रहे। तो अब नेक्स्ट आपके फैक्टर्स तो खत्म हो गए, अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक ही चीज बोल लेते हैं, आपको पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोल सकते हैं इसको, जैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल को आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं, इसी तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोल देते हैं। लेकिन आप एक ही टर्म यूज करिए, तो अब हम डिफरेंस देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, ठीक है। चलिए पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं इस चीज को। चलिए तो डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में डिफरेंस क्या होते हैं, तो हमने पार्टीशन कर दिया, एक तरफ लिख लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एक तरफ लिख लिया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो नंबर वन पॉइंट देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम इन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। किसी भी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होगा, कोवेलेंट कंपाउंड का मतलब म्यूचुअल शेयरिंग से, तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्ड के बीच में रखे जाते हैं, तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी, जो भी एजेस भी एलिमेंट की टेंडेंसी ज्यादा होती है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की,
तो उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, ऐसा होता है कि ज्यादा ताकतवर इंसान जो होता है वो छोटे को क्या कर देता है, हरा देता है, अपने से छोटे को हरा देता है। ताकतवर इंसान डरा के, छोटे को डरा धमका के क्या कर सकता है, उससे सब चीजें उसके छीन लेता है। सेम वही है कि जिसकी इलेक्ट्रॉन, जिस एलिमेंट के पास ज्यादा पावर होगी वो क्या करेगा, अपनी तरफ क्या करेगा, उन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और इसी को, उस एलिमेंट को, उस एलिमेंट के कोवलेंट, जो कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है उसकी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो वही लिखा है कि ये तो एक टेंडेंसी है जो क्या है कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कोई भी जो है, कोई भी एटम क्या हो रहा है, पॉलर कोवलेंट कंपाउंड में किसी भी एटम द्वारा क्या करते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं, उसी की टेंडेंसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये आपको ध्यान रखना है, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है रिलीज, जब रिलीज हो रही है, व्हेन एन आइसोलेटेड गैसेस एटम विल एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन। अब कोई भी आइसोलेटेड गैसेस एटम, कोई भी एटम क्या कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो दोनों में अंतर है, ठीक है, किसी भी एटम द्वारा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जब भी कोई एटम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, लेता है, तो जितनी हीट, जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है कि बॉन्ड प्रॉपर्टी है, आपको पता है बॉन्ड के बीच में रखे रहते हैं दोनों शेयर, जैसे एक्स और वाई है, क्या है, कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है, तो दोनों के जो इलेक्ट्रॉन है इस तरह से वो दोनों के बीच में रखे रहते हैं, लेकिन अगर वाई की टेंडेंसी ज्यादा तो इधर शिफ्ट हो जाते हैं स्लाइटली, इसलिए उस पर स्लाइटली नेगेटिव और इस पर स्लाइटली पॉजिटिव आ जाता है, ये आपको बताइए। ठीक है वाला कॉन्सेप्ट, चलिए अभी अभी के लिए हाथ नहीं पढ़ना इसको। तो ये क्या है, आपकी बॉन्ड प्रॉपर्टी हो जाती है, जबकि ये कैसी है, आपकी एटम की प्रॉपर्टी है, तो बॉन्ड की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, लेकिन ये क्या होती है, इससे हम ये देख सकते हैं कि बॉन्ड किधर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, या आप देख सकते हो कि बॉन्ड देखो, जिसके बीच में इलेक्ट्रॉन यहाँ रखे हुए हैं, जो जिधर खींच लेगा बॉन्ड उसकी तरफ स्लाइटली ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बॉन्ड प्रॉपर्टी है, लेकिन ये कैसी प्रॉपर्टी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम, ये एटम की प्रॉपर्टी है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड की प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एटम की प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टी होती है। थर्ड आपका पॉइंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, यूनिटलेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती, जबकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की यूनिट्स होती हैं, कौन कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये रहा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो जूल, किलो कैलोरी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इट डज नॉट डिपेंड, ये डिपेंड नहीं करती है ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फिगेशन। आपने देखा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड कर रही थी क्या, किस पे, स्टेबिलिटी पर, नहीं कर रही थी, हमने सिर्फ क्या देखा था, वहां पर नंबर ऑफ शेल्स देखे थे और हमने ईएनसी भी देख लिया था, लेकिन वहां पर हमने स्टेबिलिटी नहीं देखी थी। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिपेंड ही नहीं करती है किस पर, कॉन्फिगेशन की स्टेबिलिटी पर, यानी कि कॉन्फिगेशन स्टेबल है या नहीं इस बात पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड ही नहीं करती। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एलिमेंट्स हैविंग स्टेबल कॉन्फिगरेशन विल बी जीरो और लो। आपने देखा भी अभी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करती है, अभी देखा था हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करती है कॉन्फिगरेशन की स्टेबिलिटी पर, अगर कॉन्फिगरेशन स्टेबल है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या तो जीरो होगी, वो लेगा ही नहीं, ठीक है, या फिर कम होगी। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन क्या है एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा तो एनर्जी रिलीज ही नहीं होगी, तो या तो जीरो होगी या लेगा तो बहुत मुश्किल से लेगा, तो हमारी जितनी एनर्जी रिलीज होनी थी हमने तो उससे ज्यादा, उसके लगभग उससे थोड़ा सा कम हमने खर्च कर दी उसको जबरदस्ती ऐड कराने में, तो हमारी लो होगी। तो आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कॉन्फिगरेशन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करती है। अगर कोई स्टेबल कॉन्फिगरेशन है तो उसकी जो आपकी ईए की वैल्यू वो जीरो होगी या फिर बहुत कम होगी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, जो एफ है पूरी पीरियोडिक टेबल में, F यानी कि फ्लोरीन हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इन पीरियोडिक टेबल, और अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो वो होती है क्लोरीन की, क्लोरीन हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल, दोनों में अंतर है। F क्या है, F की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यानी कि शेयर इलेक्ट्रॉन को जल्दी से क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेता है, लेकिन क्लोरीन क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेगा इजीली, और एक्सेप्ट कर लेगा तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होगी वो ज्यादा होगी। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में एफ तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मामले में देखें तो क्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर।
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, ठीक है। और यही इसी के साथ आपका ये वाला जो आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज थी ये आप नंबर देख लीजिएगा, 7 6 7 चली थी, 6 या 7 होगी, 7th, ठीक है। जो भी आपकी ये थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज थी, ये यहाँ पर खत्म हो रही है। अब इसके कुछ क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर पर कवर करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतने, थैंक यू एंड कीप लर्निंग, इसको नोट डाउन करिए।